भगवान से भगवान को मांगो, भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन भूल करके भी घर पर गलती करोगे तो गुरु की चरण में और परमात्मा की शरण में घर की भूल मिट जाएगी, लेकिन भगवान के दर पर भूल करोगे तो संसार में कहीं पर भी मिटने वाली नहीं। फिर से समझो, घर पर भूल करोगे तो गुरु चरण में और परमात्मा की शरण में वो पाप कट जाएगा, लेकिन अगर परमात्मा के दर पर कोई भूल की तो वो कहीं पर भी कटने वाला। भाई पापी हो गए तो गंगा स्नान करो, आप पवित्र से पवित्र हो जाओगे, पर जब गंगा ही अपवित्र हो जाए तो कौन पवित्र करे। इसलिए भूल सर्वत्र करना परमात्मा के दर। एक गोपी की कथा आती है जिसने भगवान के सन्मुख एक भूल की थी, बहुत पछताना पड़ा। हेरी मैं तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने को। श्री धाम वृंदावन में जब ठाकुर जी लीला करते थे तो वृंदावन में एक नई गोपी आई। गोपी आई तो सासू माँ को प्रणाम किया, ननंद से मिली, परिवार से स्नेह बड़ा, परिवार से बातें हुई, लेकिन प्रथम दिन ही सासू माँ ने एक मंत्र फूंका गोपी को, सुनो इस वृंदावन में एक छलिया रहता है, तुम सबका मुंह देखना पर उसका धोखे से भी मत देखना, वो इतना छलिया है कि कोई एक बार उसे देख भर ले बाबरी हो जाती, लट्टू हो जाते हैं, और इस ब्रज की अनेक ब्रजांगनाएं उसके चक्कर में पागल हो गई, घर द्वार छोड़कर उसके पीछे ही डोलती रहती। अरे बहू, तू भूल करके भी ना अपना मुंह दिखाना ना बहुत छलिया को मुंह देखना। क्या नाम है उसका? नंद का छोरा है, सब उसको कन्हैया कहते हैं, पर ध्यान देना बा को मुंह मत देख ले वरना तू भी गई काम से, और फिर मैं तुझे घर भी नहीं आने दूंगी। अगर तू एक दिन भी उसके पीछे डोली या धोखे से मुंह देख लिया उसका, उसकी आंखों में ऐसा जादू है तो कोई एक बार देखे, बड़ा जादूगर तो पागल हो जाता। बेचारी नई नवेली गोपी पहली बार आई, उसे क्या पता, कुछ नहीं बोली, माँ जो आप आज्ञा करो मैं मानूंगी, मेरी माँ ने यही सिखाया, पर उसे क्या पता। भगवान तो बड़े नटखट हैं, भगवान घर घर जावे, सोई ठाकुर जी बाल लीला में बा गोपी के घर पे भी आए एक दिन। भगवान आए, अरे ओ काकी मैंने सुनो तेरे घर पे नई बहू आई है। हाँ बात तो सही कह रहा हूँ छोरा। तब तक ननंद ने जाकर दौड़ लगाकर हाथ लगा के, अरे ओ भाभी भाभी मुंह का घूंघट पकड़ ले जोर से, वो छोरा आ गया जादूगर। इतना सुनते ही बा गोपी ने अपने साड़ी का पल्लू पकड़ा और जोर से कस के पकड़ लिया। ठाकुर जी तो हंसी ठिठोली करते हुए आए, विनोद करते हुए। हमारे ठाकुर जी आए
तो नई नई गोपी को दोनों हाथ जोड़ते, राम राम। ओ भाभी नेक अपनो मुखड़ो तो दिखा दे, मोए जरा मैं देख तो ले हूं। पर गोपी तो पहले ही से ही सावधान थी, माने मुंह नहीं दिखाया। तो ठाकुर जी थोड़ा नटखट लीला करके बग गोपी के जो साड़ी का पल्लू था उस घूंघट को पकड़कर खींचने लगे। तो बाने झटका मार दिया कि धोखे से ये हमें देखना ले, या हम इसे ना देख लें, क्योंकि सासू माने समझा रखा था। आज भगवान रुष्ट हो गए और भगवान खड़े होके बोले, अरे ओ भाभी तू अपनो मुंह छुपाए रहे, जा मैं भी वचन दे हूं, मैं जिंदगी भर तेरे को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कह के हमारे ठाकुर जी चले गए। गोपी को तो आई गई बात हो गई, छोटा सा लाला है, नाराज हो गया, ठीक है क्या लेना देना, हमें भी नहीं देखना, जादूगर है, जादूगरों को क्या देखना, आई गई बात निकल गई। लेकिन जब इंद्र ने कोप किया, बारिश हुई, तो भगवान गोवर्धन नाथ बने, तो उंगली पर पर्वत उठाया, तो सारी ब्रजांगनाएं ब्रजवासी अपनी गैया बैया लेकर सब उस गोवर्धन नाथ की शरण में, छत्र छाया में आए। तो वो गोपी भी आई उस लीला में। तो एक दिन तो ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन जब आपस में चर्चा होने लगी कि नंद को छोरा बताओ तो बड़ो बलवान है, दो दिन है गए अभी तक ना माखन खाओ ना आराम करो, छोटी सी उंगली पे पूरा पर्वत उठाए हैं, भाई का कहनो। तो बा गोपी के मन में नेक आई कि जरा नेक धीरे धीरे देख तो लो, वो इतनो बलवान जो नेक सो छोरा है कौन। सब कोई ठाकुर जी की आयु की चर्चा करे, कोई आंखों की चर्चा करो, कोई होंठों की अधरों की चर्चा करे, तो कोई घुंघराले अलकल वलियां केसों की चर्चा करे, तो कोई पीताम्बर की चर्चा करे, तो कोई भगवान की मधुर सी मुस्कान की चर्चा करे, तो कोई बांसुरी की चर्चा करे, तो कोई कजरारे नैनों की चर्चा करे, तो कोई भगवान के कुंडलों की चर्चा करे, तो कोई भगवान के पाद पाद चरणों की चर्चा करे। सब भगवान के दिव्य अति दिव्यम स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। वो गोपी देखने आई, आई तो उसने धीरे से मुंह का घूंघट उठाया, और जैसे ही घूंघट उठाया उसकी नजर हमारे चितवन चितचोर मुरली मनोहर छलिया के ऊपर गई, सोई बाबरी हो गई। लेकिन जैसे ही नजर टिकी, भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया, क्योंकि भगवान का तो वचन था। भगवान ने मुंह टेढ़ा किया तो वो भागी भागी उस तरफ गई, भगवान ने इस तरफ मुंह कर लिया। पूरे दिन परेशान रही, भगवान ने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया। और एक बात बोले, अगर ये नयन धोखे से भी एक बार उसको देख लेना तो दुनिया रंगीन भी फीकी नजर आती। अब तो उसे कुछ सुहाई ना, दुनिया के लोग सासू मां की उलाहना उसे सब पागलपन लगे, सब बेकार लगे। अब वो हाथ जोड़े और बार बार आंखों में आंसू भर के भगवान से क्षमा मांगे, हे ठाकुर हमें क्षमा कर दो, पर आपका ये जो माधुर्य रूप आस्वादन है ना, इससे अब हमें दूर मत करो। भगवान बोले, गोपी चाहे जो हो जाए, अपना मुखड़ो तो ना है, तू को दिखाऊंगा चाहे जे है जाए। गोपी बोली, सरकार हमसे भूल हुई, पर क्षमा करो, अब हमने एक बार आपको एक नजर देख लिया, अब ये आंखें आपके बिना रह नहीं पा रही। वो आपके तीखी मुस्कान ने हमारे हृदय को झमझोर दिया। भगवान बोले, गोपी कुछ भी हो जाए, महाराज 6 दिन तक रोई वो गोपी, दिन रात 6 दिन तक रोई। रोते रोते जब आंखों का पानी सूख गया, अधीर हो गई, घरवाले समझाते रहे, अरे बाबरी हमने समझाया था मत चक्कर में पड़ना, ये बड़ा छलिया है और तू पड़ गई चक्कर में। ये सासू माँ को सुनाने लगी कि तुम बाबरी हो, जगतपति वो जगन्नाथ जिसको देखने के बाद सब कुछ फीका लगता है, उस रूप के आस्वादन से तुमने हमें वंचित किया। और रोने लगी। जब 7वां दिन हुआ, भगवान ने कहा, गोपी दर्शन तो मिलेंगे नहीं क्योंकि हम वचन के पक्के, लेकिन फिर भी तुझे हमारे रूप को देखना है ना,
उसके लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो कहती है मैं तैयार हूं। वही गोपी कलयुग में मीराबाई बनी है। वही गोपी मीरा है। इसलिए आप मीरा के जितने भी पद पढ़िए, मीरा के पदों में विरह है, वियोग है, दर्द है, क्योंकि मीरा को वो बात याद है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाए, घायल की गति घायल जाए, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, कब जब बेद सवरिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। वो मीराबाई।